टू पॉजिटिव आयन्स ईच कैरिंग अ चार्ज क्यू आर सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस डी. इफ एफ इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द आयन्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयन विल बी ई बींग अ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन. और ये हमको चार ऑप्शन गिविन हैं. ए 4π0 एफ डी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर. बी 4π0 एफ डी स्क्वायर अपान ई स्क्वायर. सी रूट में 4π0 एफ ई स्क्वायर अपान डी स्क्वायर. और डी रूट में 4π0 एफ डी स्क्वायर अपान ई स्क्वायर. तो बच्चों इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो पॉजिटिव चार्ज हैं क्यू और वो एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो उनके बीच रिपल्सिव फोर्स, सीधी सी बात दोनों पॉजिटिव हैं तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो फोर्स लग रहा है एफ. तो एफ बराबर क्या लगेगा, 1/4π0 q1 अपान आर स्क्वायर. मीन्स एफ इज इक्वल टू हो गया 1/4π0 क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर. हमसे पूछ रहे हैं कि ये चार्ज बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए गए होंगे हर बॉडी से, क्योंकि आपको पता है ना जब पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं तो कैसे बनता है, जब किसी बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि हर बॉडी नॉर्मली क्या होती है, न्यूट्रल होती है. तो उससे अगर कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए तो कैसी बन जाती है, पॉजिटिव. कुछ इलेक्ट्रॉन लेके उसमें डाल दीजिए तो क्या बन जाएगी, निगेटिव. तो यहाँ पे चूंकि दोनों पॉजिटिव है मतलब दोनों से इलेक्ट्रॉन निकाले गए होंगे, तो वही पूछा गया टोटल कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए गए पॉजिटिव चार्ज बनने के लिए. अब अगर हम ऐसा मान लें कि n इलेक्ट्रॉन लॉस किए गए दोनों से, तो हमको n की वैल्यू फाइंड करनी है. भाई आपको पता है क्वांटाइजेशन थ्योरी बताती है कि अगर किसी बॉडी से n इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो उस पर चार्ज कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा एनी, क्यू इज इक्वल टू एनी. सो पुट वैल्यू ऑफ q इन ईच या इन दिस इक्वेशन. ठीक है, सो पुट वैल्यू ऑफ q इन दिस इक्वेशन. तो हमें क्या मिलेगा यहां से, हमें यहां से मिलेगा F इज इक्वल टू 1/4π0 एन ई का होल स्क्वायर अपान आर स्क्वायर. ठीक है, मीन्स 4π0 इंटू एफ अपान इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर ई स्क्वायर. क्या किया, इस पूरे टर्म को इधर मल्टीप्लाई करेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई. हमें तो n की वैल्यू चाहिए, तो यहां से एन स्क्वायर कितना मिलेगा भाई, एन स्क्वायर मिलेगा हमारे पास 4π0 एफ आर स्क्वायर अपान ई स्क्वायर. दोनों तरफ रूट ले लीजिए तब तो एन की वैल्यू निकलेगी. सो द वैल्यू ऑफ एन इज रूट 4π0 एफ आर स्क्वायर अपान ई स्क्वायर. सो द वैल्यू ऑफ एन इज 4π0 एफ आर स्क्वायर अपान ई स्क्वायर. ये हमारा आंसर हो जाएगा. सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट. इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा, डी करेक्ट हो जाएगा. बस ध्यान रखना बच्चों, आपको जो क्वेश्चन में दिया था वहां पे डी डिस्टेंस दिया था, हमने आर लेके पूरा सॉल्व कर लिया. मतलब यही डिस्टेंस अगर डी ले लेते तो यहाँ पे डी 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 डी, तो यहाँ पे डी आ जाता, ये आर की जगह क्या आ जाता, डी आ जाता. तो वहां पर डी है क्वेश्चन में, तो आप उसको ठीक कर लेंगे. और ये हमारा आंसर आ गया कि 4π0 एफ डी स्क्वायर वहां पे दिया पान में ई स्क्वायर. सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट. इसको नोट कर लीजिए फटाफट बच्चों.